आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिवा प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार। आज हम फिर से अनुपात मनपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच में हैं और यह आपका अनुपात मनपात का 13वां पाठ है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके लिए पहला पाठ। यह प्रश्न आप सरल तरीके से कैसे बनाते हैं? आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, इसका अर्थ है आय, खर्च और बचत। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, इसका अर्थ है वह 100 रुपया कमाता है। 25% एकरा बचाता है, इसका अर्थ 100 रुपया कमाता है। तो 25 रुपया यदि बचाता है तो खर्च कितना करता है? ये पहले स्थिति। अब क्या कह रहा है? आज उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो भी वह पूर्व जितना ही धनराशि बचा पाता है। ये तो तय हुआ, पहले अभी 25 बचाता था, अब भी 25 बचाता है, लेकिन उसकी आमदनी अब वर्तमान में 20% बढ़ गया, अर्थात 100 रुपये हो गया। यही तो प्रश्न मेरा बन गया। अब तुम 25 कमाते हो, खर्च कितना करते हो? अभी 25 बचाते हो तो भाई 100 आमदनी घटा बचा बराबर खर्च, तो 95 आप बेचारा वो क्या करता है? खर्च करता है। तो अब दोस्तों आप जो बढ़ोतरी या कटौती जो होगा वह इस पर डिपेंड करेगा, ये 75 के सापेक्ष कितना खर्च ज्यादा कर पा रहा है। 20 तो हम कहेंगे 75 निकाले कर 20 होगा 75 गुना कितना 100 अनुपात पर विचार करें 75 के सापेक्ष 20 होते हैं तो आपके सापेक्ष क्या बचे? इस तरह आप बनाते हैं। अब जब आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 15 भागे 5 चौके और ये हो जाएगा 5 या 5 दिशाएंगे 20 चौके 80 बटा 3 प्रतिशत यानी 26 गुणांक 26 गुणांक 2/3 प्रतिशत। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके लिए बेहतर सवाल जाता है कि रेल ट्रेन और बस के किराए का अनुपात तीन अनुपात क्या किराया हर तरीका देखिए सिर्फ और सिर्फ तरीका कि सेकंडों में आप प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं और इसका अनुपात तीन अनुपात क्या है। आज रेल का किराया 20% बढ़ गया और बस का किराया 30% है, यानी आपका ये 20% बढ़ा है, ये 20% और ये 30% बढ़ोतरी हुआ है, प्लस हुआ है, तो नया अनुपात है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप कैसे तेजी में बनाएंगे कि 20% एकरा पर बात हुआ है कि 20 रुपया बढ़ गया, तो भैया आप इसको 300 400 लिख दीजिए, 100 से गुना कर दिया, फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं, 20% कितना बढ़ा तो 100 में 20 बढ़ा तो 300 में कितना बढ़ा? 60 बढ़ा, यानी अब किराया ट्रेन का 360 हो गया। ये 100 में 30% बढ़ा तो 4 गो नंबरी में कितना बढ़ेगा? 1 गो नंबरी में 30% तो 4 गो नंबरी में 20 400 800 30 कौन सा 20 हो गया। अब इसको तुलना तुलना खत्म, 4 9 4 13 12 9 अनुपात 13 में चीज लगाइए और आप इस तरह बखूबी सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है आपके बीच में और ये सवाल को आप कैसे टेक्निक का प्रयोग करते हुए कम समय में कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं और देखिए। प्रश्न में कहा गया कि बुआ और गर्भ एक स्कूल में जो है बुआ और गर्भ का जो अनुपात है बुआ और गर्भ का अनुपात जो है कह दिया अनुपात दिया नहीं 4/9 आदि लड़कियां जरा समझिए 4/9 लड़कियां है इसका अर्थ 5/9 लड़के हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 5:4 में इसको हटा देते हैं और बुआ और गर्भ का अनुपात 5:5 क्या लिखते हैं? अब क्या कहा जरा देखिए। कहता है कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, ये इसका 3/5 12 वर्ष से कम क्या है माइनस प्लस। और फिर कहता है लड़कियों का जो संख्या है उसका 5/12 इसका 5/12 जो है वह 12 या 12 वर्ष से अधिक है, यानी 12 या 12 से अधिक है। जान लीजिएगा यहां पर कम यहां पर अधिक की बात, और जब भी करना होगा तो एक जैसों में लाना होगा। कहता है यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है तो कम का बात हुआ है, रियल नंबर जो हमको 480 है कि स्कूल में 480 जो है लड़का लड़की मिला के 12 वर्ष से कम का है
तो भाई अनुपात में कितना कम है कि मेरा प्रश्न बन जाएगा। तो 5/12 कम है, इसका अर्थ इसको हटाइए, नहीं 5/12 अधिक है, इसका अर्थ है 7/12 जो है कम है, कम 5/12 यानी कुल अधि 12 में 5 अधि अधिक थे, तो 7 क्या है, कम है। अब जरा देखिए प्रश्न को आसान तरीके से, टोटल भी की बात होगी, प्रश्न को आसान तरीके से बना, आप क्या कीजिए, ये 5 है ये 12 है, तो आप यहां भी 5×12 कर दीजिए, यहां भी 5×12 कर, क्या क्या फायदा, देख किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, इससे फायदा क्या होगा देखिए। अब देखिए इसका 3/5 जो है, इसका 3/5 जो है वह कम है, तो लड़का में क्या वो कम है, इसका गुना 3/5 करेंगे तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5×12×3 यहां पर 4×12×12 4×5×12×7/12 करेंगे 12 कैंसिल हो जाएगा, 4×5×12 इसका अर्थ ये हुआ इतना वो लड़की हमारा कम है 12 का। मैं विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है, तो विद्यालय में विद्यार्थी जो है 12×5 लड़का है, और जोड़ 4×5×12 लड़की, तो यहां पर देखते हैं 12×5 कॉमन आ जाएगा, 12×5 कॉमन, 12 और 5 कॉमन आ जाएगा, कितने बचेगा 4, और यहाँ 5×5 9 यानी ये टोटल है 12×5×9। अब आप तक कहिए कि इसको हल कहते हैं 12×5 = 7 = 180, ये 5×20 = 40 = 140, 5×20 = 140, 180 = 140 = 320 होता है। तो आनुपातिक 320 के लिए रियल नंबर हमारा जो है वो 480, यानी आनुपातिक 320 के लिए हम कहते हैं अनुपात 320 कम है, वास्तव में 480 कम है, तो 1 के लिए कितना, 1 के लिए 480/320, और टोटल निकालना है, तो देख टोटल का, अब देखिए टोटल का 5/18 निकालना है, घबराइए नहीं, हम कहेंगे कि 480/32 × 12×5×9 कर दे, टोटल में हो जाएगा, नहीं 1 के लिए इतना, तो 12×5×9 के लिए कितना गुना हो गया, ये स्कूल के कुल जनसंख्या, और उसका हमको पूछा 5/18, तो 5/18 गुना कर दिया, अब जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब हल करते हैं, हल करेंगे तो इस सुन्ना सुन्ना खत्म, 16 + 48 = 32, उसके बाद 3×7 = 18, 6×2 = 12 कैंसिल, तो आपका 25 × 9 कितना होगा 225, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। और आप चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लगभग उसी तरह का मिला जुला है जो पिछला आपने बनाया, कहता है एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, यानी मेल अधि 2/3, तो फीमेल 1/3, अर्थात मेल और फीमेल का अनुपात कितना 2:1, बात खत्म। अब क्या कहता है, अधि पुरुष कर्मचारियों का 3/8, पुरुष कर्मचारियों का इसका 3/8, और इसका जो है महिला कर्मचारियों का 2/5 जो है अस्थाई है, अस्थाई ठीक है, और अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 740 है अस्थाई कर्मचारी, देखिए ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या 740 अस्थाई है, यहां भी अनुपात में अस्थाई निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए आप फिर उसी तरह बनाइए, देखिए 3/8 अधिक है और अस्थाई, इसका अर्थ हुआ 5/8 जो है अस्थाई, अब इससे लेना देना नहीं, 2/5 अधिक अस्थाई है तो 3/5 जो है अस्थाई है, इससे मतलब है, इससे मतलब अब नहीं। अब देखिए यहां भी 8 यहां भी 5, तो आप क्या कीजिए, आप 8×5
यहां भी गुना आठ गुना पांच कर, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? टोटल हो जाएगा आठ गुना पांच कॉमन हो जाएगा, आठ गुना पांच और गुना दो एक तीन, तो टोटल संख्या हो जाएगा ये। अब निकालिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पंच चालीस दूनी अस्सी और अब पंच चालीस अस्सी चालीस एक सौ बीस, यहां भी आठ पंच चालीस किया एक सौ बीस, तो आप इस तरह बना सकते हैं। हम बाद में क्रियाकलाप करेंगे जो कि आसान हो मेरे लिए। अब इसकी संख्या का पांच बता अस्थाई 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 निकालना है हमको, तो भाई पांच पांच कैंसिल हो जाएगा, तो दो गुना आठ गुना सॉरी आठ आठ कैंसिल हो जाएगा, दो गुना आठ गुना पांच पांच आठ जाएगा तो आठ आठ कैंसिल होगा, तो दो गुना पांच बचेगा, यहां पर एक गुना आठ गुना पांच तो पांच पांच कैंसिल होगा, बचेगा एक गुना आठ गुना तीन। अब इसको हल करें, पच्चीस पच्चीस दूनी पचास आठ या चौबीस, यानी अनुपातिक चौहत्तर के लिए मैंने मेल में पचास गो फीमेल में चौबीस हुआ अस्थाई यानी चौहत्तर हुआ, तो अनुपातिक चौहत्तर के लिए तुम बोलते हो सात सौ चालीस, यहां बोलते हो सात सौ चालीस यहां चौहत्तर, तो आप एक के लिए कितना अंतर, आपको पूछा गया है कि मतलब पंद्रह कर्मचारियों की कुल संख्या और अट्ठाईस महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना है, तो टोटल निकालिए उसका सात मतलब पंद्रह कीजिए, और फिर और अट्ठाईस महिला कर्मचारियों की संख्या से कितनी अधिक है निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है निकालिए। आप देखिए यहां पर इस तरह भी कर सकते थे क्या, आज पंचे चालीस या एक सौ बीस में चौहत्तर है तो कितना में सात सौ चालीस है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सीधा करता हूं अनुपात चौहत्तर के लिए बाकी सात सौ चालीस एक के लिए दस, तो फिर अनुपातिक चालीस या एक सौ बीस के लिए कितना, तो बारह सौ, यानी बारह सौ कुल कर्मचारी है। अब देखिए गुना किए फिर उसका सात रुपया पंद्रह निकालेंगे, तो आप क्यों इतना करेंगे, आप सीधा कहिए आठ गुना पांच गुना तीन और गुना दस, ये दस एक के लिए दस इतना के लिए गुना दस, और इसका हमको सात बटा पंद्रह निकालना है, हल कीजिए पांच किया पंद्रह पंद्रह कैंसिल तो कितना हुआ दस से अस्सी या आठ सौ छप्पन पांच सौ साठ, तो यहां पर जो है ये पांच सौ साठ आपका क्या निकला, पांच सौ साठ निकला कुल कर्मचारियों का साठ बटा पंद्रह, और कहता है क्या कि कुल अस्थायी कर्मचारी जो है अस्थायी महिला कर्मचारी से कितना अधिक, भाई अस्थाई महिला कर्मचारी कितना, अस्थाई महिला कर्मचारी दो बटा पांच काट दिए थे, दो बटा पांच इसका दो बटा पांच, तो भाई दो बटा पांच जो होगा निकालिए आठ गुना पांच अनुपात में, तो एक के लिए दस तो चालीस के लिए कितना चार, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पांच सौ साठ आपने निकाला, ये पांच सौ साठ क्या हुआ, ये पांच सौ साठ कुल कर्मचारियों का साठ होता पंद्रह, अब कहता है अस्थाई महिला कर्मचारी की संख्या की कितना अधिक है, तो भाई चार सौ का दो बटा पांच जो है वह क्या है अस्थाई है, तो आप इसको जब हल करिए पांच अठे अस्सी एक सौ साठ, एक सौ साठ से यह कितना अधिक है चार सौ अधिक है, तो आप क्या करेंगे चार सौ में लगाएंगे, इसमें ठीक लगाएंगे चार सौ में। अगला सवाल है, एक दुकान है, दुकान में सेब है, नारंगी है, नारंगी है, उसके बाद आपका अनार है, और उसकी संख्या का जो अनुपात है आठ अनुपात नौ अनुपात पंद्रह। अब क्या कहा, इस कुछ बिका, कहता है कि सेब नारंगी और अनार का मतलब पच्चीस प्रतिशत, देखिए ये पच्चीस प्रतिशत, उसके बाद ये तैतीस पूर्णांक तीन प्रतिशत, और ये आपका बीस प्रतिशत जीतेगा, समझिएगा बात, इसका अर्थ क्या हुआ, एक बटा चार एक बटा तीन और एक बटा पांच, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बचे फलों का अनुपात क्या, हमको एक चीज बताइए, आठ का एक बटा चार दिखता है तो बचता कितना है, तीन बटा चार, तो ये बचा आठ गुना तीन बटा चार, ये बचा नौ गुना दो बटा तीन, नहीं एक तिहाई दिखा तो दो तिहाई बचा, एक बटा पांच भाग बिका तो चार बटा पांच भाग बचा। अब इसी का अनुपात पूछा था, आपने तक से एक लाइन बनाया चार दूनी आठ, उसके बाद तीन किया और पांच किया, और यहां पर हम देखते हैं ये तीन तीन और ये तीन कैंसिल,
ये तीन कैंसिल, ये तीन कैंसिल, ये भी तीन कैंसिल, तो बचा कितना? हाँ और हो रहा है, यहाँ पर ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, ये दो दूनी, ताप का उत्तर एक अनुपात एक अनुपात क्या हुआ? आप लगाएंगे ताप इस तरह प्रश्न को बढ़ाते हैं और जवाब देते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यदि महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। यदि नए चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब यदि करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं।